नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन संभाग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में संभाग में चुनाव के मुद्दों पर मंथन किया गया। सिंधिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और पार्टी की चुनावी रणनीति पर भी खुलकर बोले। चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि मेरा मानना है कि आगामी चुनाव में 30% नए चेहरों को मौका मिले, केवल जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट मिलेगा। भाजपा और संघ पर भी हमला बोला और कहा कि ना मुझे संघ और ना ही भाजपा की चिंता है। जो वर्तमान के हालात हैं मध्य प्रदेश में, जहां एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं के ऊपर केवल बलात्कार नहीं लेकिन अब तो नाबालिगों के ऊपर भी बलात्कार किया जा रहा है, हर नौजवान बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खा रहा है, दलित और आदिवासी प्रताड़ित किया जा रहा है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार हो चुकी है और आज हमारे मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मेरी तो सोच है कि उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा नहीं लेकिन एक क्षमावाणी की यात्रा निकालनी चाहिए पूरे मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या का केंद्र बन रहा है। आज मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी के शासनकाल में किसानों पर गोली चलाने वाली एक सरकार के नाम से जानी जा रही हुई है। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।